आपने ये रील तो देखा ही होगा जिसे मिलियंस में लाइक और व्यूज मिला था। उसमें एक औरत पूछती है केविन से, क्या तुमको पता है उसके बाद उस बच्ची का क्या हुआ था? चलिए उसे आगे मैं बताता हूँ आपको। ये शुरू होता है 1993 जब रॉबर्ट हेडली नाम का एक आदमी केविन कार्टर को सूडान जाने को कहता है, जो यूएन ऑपरेशन लाइफलाइन का चीफ होता है। और यूएन का मानना था कि वार जोन एरिया के अकाल और जरूरतों को पब्लिश करने से एड ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग बनाए रखने में मदद मिलेगी। जब यूएन को एक रिवेलियन ग्रुप से आयोध तक भोजन सहायता पहुंचाने की परमिशन मिल गई तो हेडली ने तिलवा और कार्टर को अपने साथ वहां लेके गए। तिलवा और कार्टर अकाल पीड़ितों की फोटोज लेने के लिए अलग अलग जहाँ पर ये फोटोज क्लिक किया गया था केविन कार्टर के द्वारा, जहाँ पर एक लड़की भुखमरी से लाचार होकर जमीन पे पड़ी थी और एक वल्चर उसका मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन केविन ने उस वल्चर को वहाँ से भगा दिया था। फिर वो वहाँ से चला गया था क्योंकि ज्यादा देर रुकने का परमिशन नहीं था। फिर उस फोटो को जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 मार्च 1993 को पब्लिश किया तो हजारों में लोगों ने न्यूज एजेंसी को कॉन्टेक्ट किया ये जानने के लिए कि उस बच्ची का क्या हुआ आगे। तो न्यूज वालों ने बताया कि कार्टर ने कहा था कि उसने उस वल्चर को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बच्ची यूएन फूड सेंटर तक पहुँच पाई थी कि नहीं। फिर अगले ही साल केविन को प्लीजर अवार्ड भी मिला था, लेकिन अवार्ड मिलने के 4 महीने बाद केविन ने सुसाइड कर लिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से केविन बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था, वो सब भुखमरी को देखकर और स्पेशली उस बच्ची को देखकर। और एक रीजन था केविन का बेस्ट फ्रेंड केन ऑस्टरब्रुक की मौत। डिप्रेशन में चला गया था जिसकी ठोकोजा टाउनशिप में काम करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केविन मरने से पहले एक सुसाइड लेटर लिखा था जो उसका मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। मुझे सचमुच बहुत खेद है, जीवन का दर्द खुशी पर इस हद तक हावी हो जाता है कि खुशी का अस्तित्व ही नहीं रहता। मैं हत्याओं और लाशों, क्रोध और दर्द की ज्वलंत यादों से परेशान, भूखे या घायल बच्चों की, ट्रिगर कुछ पागलों की, अक्सर पुलिस के हत्यारे जल्लादों की दशा से परेशान हूँ। अगर मैं इतना भाग्यशाली हूँ तो मैं केन से जुड़ने गया हूँ, यानी कि मैं केन से मिलने जा रहा हूँ। ये शब्द थे कुछ केविन कार्टर के अपने सुसाइड करने से पहले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं और नीचे एक दिल का कमेंट छोड़ सकते। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।